अभी अभी बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका फोल्डर निगरानी को उपलब्ध नहीं हो पाया है, उस संबंध में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है। क्या है वो आदेश और उस आदेश का क्या असर होगा, आइए जानते हैं अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। आशुतोष जी, बिल्कुल, देखिए, राज्य में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। ये पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है और यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से जल्द होगी, ऐसी सूचना भी सामने आ रही है। और पटना हाई कोर्ट का जैसे आदेश आया है, शिक्षा विभाग ने संबंधित निदेशालय को कार्रवाई करने को भी कह दिया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक संबंधित नियोजन इकाइयों के सचिवों पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तथा उनके नाम निगरानी को उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब ये लोग भी जांच के रडार पर आएंगे निगरानी विभाग के, और इस बात की भी जांच होगी कि त्याग पत्र देने वाले शिक्षक कहीं फिर से नियुक्त तो नहीं हो गए हैं। राज्य में 77,057 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर अब तक नहीं मिले हैं और निगरानी विभाग इस मामले की सालों से जांच कर रहा है। अब शिक्षा विभाग के सोर्सेज से जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक जिन नियोजन इकाइयों में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर निगरानी विभाग को नहीं मिले हैं, उनके सचिवों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी, जबकि मेधा सूची से शिक्षकों के अंक पत्र की जाँच भी कराई जाएगी। मेधा सूची के आधार पर ही नियोजित शिक्षक नियोजित हुए हैं। जिन नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयों के सर्टिफिकेट की निगरानी जांच होनी है, उनकी संख्या 352,927 बताई गई है। इनमें 275,870 शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन रेस्ट जो बच रहे हैं 72,000 के आसपास, उनके फोल्डर 77,000 के आसपास, उनके फोल्डर अब तक निगरानी विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जब तक उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो सही है या गलत है, वैध है या अवैध है। इसी को लेकर के निगरानी विभाग को काफी पहले जांच का जिम्मा दिया गया था, लेकिन निगरानी विभाग जब तक फोल्डर नहीं मिल पा रहा है तो असमर्थ है इस मामले की जांच करने में। अब जब जांच की प्रक्रिया हुई तो ऐसे में कई शिक्षकों ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो क्या इससे कोरिलेट कर रहा है, इसी से संबंधित मामला है कि वो फंसते हुए नजर आ रहे थे, इस्तीफा दिया है उन्होंने, और अगर इस्तीफा दे दिया है तो क्या वो बाद में नियुक्त हुए हैं। इन तमाम चीजों की बारीकी से जांच की जाएगी सब कुछ, और पटना हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रवैया अपनाया है और शिक्षा विभाग को यानी के पाठक के विभाग को आदेश दिया है, और के पाठक के विभाग ने जो संबंधित निदेशालय है उसको आदेश भी दे दिया है कार्रवाई करने के लिए। पाठक जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।